Fathers are hero. ये टाइटल अपने में ही मुकम्मल है, क्योंकि एक पिता के एफर्ट्स, एक पिता के सैक्रिफाइसेस को माप पाना इज इम्पॉसिबल. मेरा अटैचमेंट मम्मी से हमेशा ही ज्यादा रहा, क्योंकि माँ होती है ना एक्सप्रेसिव, अपना लाड प्यार उढ़ेल देने वाली. पर मुझे हमेशा से पता है कि पापा इज दैट साइलेंट प्लेयर जो हमें जिंदगी का ये मैच कभी हारने नहीं देंगे. अ फादर डज सो मच फॉर द फैमिली विदाउट इवन एक्सप्रेसिंग. मतलब आप सोच के देखो, हम अगर छोटी सी भी कोशिश करते हैं, छोटा सा भी कोई काम करते हैं, तो कैसे सबको बताते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसके लिए कोई अप्रिशिएट करे, हमें हमारे एफर्ट्स के लिए कुछ तो रिवॉर्ड मिले. और एक बाप न जाने कितने एफर्ट्स डालता है अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, और एक बार भी उसके पीछे छुपी मेहनत जाहिर नहीं होने देता. मैंने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, मगर सच है कि एक पिता परिवार को हिम्मत देते देते खुद बिखर जाता है. एक पिता परिवार को हिम्मत देते देते खुद बिखर जाता है, और मां की ममता सबको महसूस होती है, पर बाप का प्यार हमें नजर ही नहीं आता है. और ये मदर्स डे, फादर्स डे, ये दिन स्पेशल नहीं है, हमारे मां बाप स्पेशल है. आज बस इत्तेफाक था या खुदा का कोई इशारा कि मैं इस पर बात करूं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है. सोचो एक पिता को कितना अच्छा लगेगा अगर हम उन्हें कभी कभी थैंक्स बोल दिया करें, कभी कभी उन्हें शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें जिंदगी को जीने की हिम्मत दी. सो थैंक यू टू ऑल द फादर्स जिन्होंने अपने सपने पिंजरे में रखे ताकि उनके बच्चों के सपने खुले आसमान में उड़ सकें. थैंक यू टू ऑल द फादर्स जिन्होंने बीमार होने पर भी मेहनत को कमजोर होने नहीं दिया. थैंक यू टू ऑल द फादर्स जिन्होंने एक एक पैसे को संभाल के रखा ताकि उनके बच्चों को कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े. थैंक यू टू ऑल द फादर्स जिन्होंने अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी में न जाने कितने सैक्रिफाइसेस किए. थैंक यू सब कुछ पाया है.